नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। ये रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में एक सरिया व्यापारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नशीला इंजेक्शन लेने का आदि था युवक, परिजनों ने नशा करने से रोका तो युवक ने कर ली आत्महत्या। दरअसल राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के मारतंड नगर में रहने वाला युवक पिछले लंबे समय से नशा कर रहा था। कुछ समय से वह ड्रग्स का आदि हो गया था और नशीले इंजेक्शन लेता था। परिजन अक्सर इस बात का विरोध करते थे। मंगलवार रात भी परिजनों ने उसे नशे व नशा न करने की समझाइश दी, लेकिन वह नाराज होकर अपने कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। हालांकि युवक के नशे के आदि होने के कारण उसके परिवार के लोग भी उससे परेशान रहते थे। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही मृतक का मोबाइल जब्त कर कॉल डिटेल इत्यादि की जांच कर पता भी लगाया जाएगा कि आखिर मृतक नशीला ड्रग्स किससे खरीदता था। पुलिस अभियुक्त ड्रग पैडलर और एजेंट को भी जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। ये थाना राजेंद्र नगर पर आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली है कि मारतंड नगर में एक सुसाइड हुआ है। 26 साल का एक युवक है। अभी उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दी गई है। परिजनों के से जो प्राथमिक अभी चर्चा हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि वो ड्रग्स लेने का आदी था और उसी कारण उसने ये सुसाइड किया है। हालांकि ये बेहद एक प्राथमिक स्टेज में है, इसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर यह पाया जाता है तो उसका मोबाइल वगैरह की डिटेल्स निकाल कर किसके थ्रू वो खरीदता था, किन से वो लेता था, उनके बारे में भी जांच पड़ताल की जाएगी। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।